भाई मेरा फेवरेट शो तो आप जानते ही हैं कौन सा है, भाग्य लक्ष्मी। और यहाँ पर मेरा किरदार यानी करिश्मा ओबेरॉय, भाई फिलहाल इसकी सारी चालें पड़ गई हैं उल्टी, क्योंकि लक्ष्मी में आ गया है माता का वही रूप और फिर से वो बस चुटकी बजाकर ले आई हैं ऋषि को इस केस से भी बाहर। अब करिश्मा ओबेरॉय को तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि वो आगे क्या करें, तो फिलहाल देखें कि वो आगे क्या करेंगी, मतलब मैं आगे क्या करूंगी। आइए डालते हैं भाग्य लक्ष्मी पर एक नजर। सिर पर सुनहरे बाल, गाल पर काला तिल, आंखों पर चश्मा, और खरगोश जैसे दांत। पहचाना ही नहीं, ये है लक्ष्मी जो ऋषि का तो भाग्य बदलती ही है, लेकिन आज खुद का हुलिया भी बदल लिया है। जी टीवी के सीरियल भाग्य लक्ष्मी में आज लक्ष्मी देसी अंदाज और विदेशी मिजाज में नजर आ रही हैं, क्योंकि ये बन गई हैं महारानी। और इनके साथ ये जो पेटू महाराज यानी कि सरदार पाजी हैं, ये कोई और नहीं बल्कि आयुष्मान है, जो बन गए हैं महारानी के पीए। असल में लक्ष्मी और आयुष्मान ऋषि को बचाने के लिए और शनाया के खिलाफ सबूत इकट्ठे करने के लिए बहरूपिया बनकर पहुंच गए हैं शनाया से मिलने। और दोनों शनाया और उसके साथी के सामने ऐसे पेश आ रहे हैं जैसे ये ऋषि और उसके परिवार के बिजनेस राइवल हों। बस दोनों को इस बात का यकीन दिलाने के लिए लक्ष्मी और आयुष्मान दे रहे हैं शनाया और उसके साथी को पैसे का लालच। आपको क्यों लगता है हम आपका ऑफर एक्सेप्ट करेंगे? लगता नहीं, हमें यकीन है कि आप हमारा ऑफर एक्सेप्ट करेंगे। ऐसे क्यों? क्योंकि दुश्मन का दुश्मन तो ऋषि ओबेरॉय और हमारे बिजनेस के बीच दुश्मनी है। ऋषि ओबेरॉय का बिजनेस डूबता है तो हमारे बिजनेस को प्रॉफिट, हमारा बिजनेस और ऊपर बढ़ता है। और जब से आपने ऋषि ओबेरॉय के ऊपर मॉलेस्टेशन का चार्ज डाला तब से हमारे बिजनेस को बहुत प्रॉफिट है। और अब हम चाहते हैं कि ऋषि ओबेरॉय का बिजनेस पूरी तरह से खत्म कर। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा? आपको ऋषि ओबेरॉय को ओ जी छटना नहीं होगा। ऋषि ओबेरॉय को वो जो आपने केस किया मैंने सुना है जी, पीछे मत रखना। ये रूप धारण करना तो लक्ष्मी की मजबूरी है, क्योंकि इससे पहले जब लक्ष्मी शनाया से मिलने उसके पास गई थी तो शनाया ने पुलिस को बुलाकर और मीडिया को बुलाकर उसके ऊपर रिश्वत देने का इल्जाम लगा दिया था, जिसके चलते ऋषि उस पर काफी नाराज हुआ था। मैं लक्ष्मी को डांट रहा हूँ क्योंकि वो शनाया के घर जिसने मुझे मेरे ऊपर मोलेस्टेशन के चार्जेस लगाए उसके घर वो चली गई थी फाइल लेके एंड कुछ सॉर्ट करने के लिए कि ये रफा दफा हो जाए केस यहीं पे, लेकिन उसने अलग तरीके से यूज कर लिया लक्ष्मी की अच्छाई को। अच्छा जी, तो आखिरकार ऋषि साहब को लक्ष्मी की अच्छाई नजर आने ही लग गई। तभी तो जब लक्ष्मी इमोशनल हो गई तो कैसे ऋषि का दिल पिघलने लगा। हाँ, क्योंकि वो रो रही है मेरे सामने एंड आई कांट सी एनी गर्ल क्राई, तो उस वजह से सॉफ्ट कॉर्नर आ रहा है उसके लिए। डोंट वरी ऋषि, जब आपको ये पता चलेगा कि आपको बचाने के लिए लक्ष्मी कितने जतन कर रही है, आपके दिल में उसके लिए प्यार जरूर उमड़ेगा। खैर, अभी तो लक्ष्मी शनाया का सच लाने में जुटी हुई है, जिसमें वो बहुत जल्द कामयाब होते हुए भी नजर आएगी। मुंबई से श्रुति बड़जात्या के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।